हाय गाइस, मैं हूं नरेंद्र सिंह और स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज ऑफ नरेंद्र पे। और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, अगर आप एक क्लिक के अंदर किसी भी शब्द को, जो इंग्लिश शब्द है, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना चाहे तो कैसे करें। वैसे मैं आपको दो तरीके बताने वाला हूं जो अब तक के मेरे जीवन के सबसे सरल तरीके है। और इसके अलावा अगर आप कोई दूसरी भाषा जानते हैं, जैसे गुजराती है, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, और कोई इंग्लिश शब्द को आप इन भाषाओं के अंदर ट्रांसलेट करना चाहे तो मात्र एक क्लिक में कर सकते हैं। जो ये दो तरीका है दोस्तों, एक तरीका है गूगल का जो बहुत ही सरल है, दूसरा तरीका है जो माइक्रोसॉफ्ट है, उन्होंने भी एक हिंदी ट्रांसलेट का तरीका बनाया है। क्योंकि जो माइक्रोसॉफ्ट है दोस्तों, वो पहले हिंदी पे इतना ध्यान नहीं देती थी, हिंदी या जो इंडिया की जो भाषा होती है ना, उन भी इतना ध्यान नहीं देती थी। लेकिन हाल ही के वर्षों में उन्होंने हिंदी, पंजाबी, तमिल जो भी भाषाओं पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया, तो उन्होंने भी एक ऐसा तरीका बनाया है जिनके बारे में मुझे नहीं लगता किसी को पता है, और मुझे नहीं लगता इसकी वीडियो यूट्यूब पर भी है। तो उस तरीके भी आप एक क्लिक से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो ये जानते हैं कौन कौन से वो तरीके हैं। तो आइए जान लेते हैं वो कौन से दो दो तरीके हैं। तो पहला जो तरीका वो है बिंग ट्रांसलेट द्वारा, और दूसरा तरीका है गूगल ट्रांसलेट द्वारा। वैसे बहुत सारे लोग आमतौर पे गूगल ट्रांसलेट का उपयोग करते हैं, लेकिन कभी कभार आप गूगल ने जो ट्रांसलेट किया उसे संतुष्ट नहीं, मैं भी कभी संतुष्ट नहीं होता हूँ, तो आप बिंग को यूज़ कर सकते हैं, इससे आप पूरी तरह संतुष्ट हो पाएंगे। तो ये मैं आपको एज ब्राउज़र के अंदर बता रहा हूँ, तो मैं एज ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ, और ये मैंने एक वेबसाइट ओपन की गूगल क्रोम हेल्प की, ताकि मैं इसमें उदाहरण की सहायता से आपको समझा सकूँ। जैसे ये लिख रखा है यू, अगर आप इसको एक क्लिक में हिंदी ट्रांसलेट करना चाहते हैं, गुजराती, तमिल, तेलुगु जो भी ट्रांसलेट करना चाहते कर पाएंगे। तो कैसे करें, तो सबसे पहले बिंग का बताता हूँ, बिंग में कैसे करेंगे। तो आपको जो एज ब्राउज़र है उसकी सेटिंग में जाना होगा, तो इसके लिए मेनू पर क्लिक करिए, सेटिंग पर क्लिक करिए, और ये इसकी सेटिंग ओपन हो जाएगी। उसके बाद में आप आइए लैंग्वेज पे, लैंग्वेज पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर दिखाई देगा प्रेफर्ड लैंग्वेज, तो यहाँ पर इंग्लिश ले रखी है, तो यहाँ पर आपको आना ऐड लैंग्वेज, और ऐड लैंग्वेज पे आने के बाद में अगर आप हिंदी लेना चाहते हैं तो हिंदी ले सकते हैं, जैसे कि एच आई हिंदी, और अगर आप तमिल लेना चाहें तमिल तो तमिल आ जाएगी, और तेलुगु लेना चाहे तेलुगु आ जाएगी, और गुजराती लेना चाहे तो गुजराती भी आ जाएगी, ठीक है, जैसे गुजराती। तो मैं हिंदी लेना चाहता हूँ, हिंदी को लिया और इसको ऐड किया, और ये आ गई हिंदी। अब हिंदी हमें लेना पड़ेगा एक कदम ऊपर, तो यहाँ पर आना है और करना है मूव टॉप। मूव टॉप आने के बाद आपको इंग्लिश को हटा देना है, क्योंकि हम ये एक ही भाषा में काम करेगा तो इंग्लिश को हम हटा देते हैं, क्योंकि हम इंग्लिश को हिंदी में कर रहे थे, इंग्लिश हमें जुट नहीं है, तो ये इंग्लिश हमने हटा दिया, अब केवल हिंदी है। अगर आप अभी इस पर करके देखोगे, जैसे कि ये आगे यू, ठीक है, और यू के बाद में जैसे भी क्लिक करोगे ट्रांसलेट टू हिंदी, तो यू को इसने बना दिया तुम, ये देखें। अगर आप इतना चाहते हो, ये इतना सा, तो इतना को ये ट्रांसलेट कर देगा, ट्रांसलेट हिंदी, देखिए विशिष्ट और अनुवाद, ठीक है। और अगर आप इसको ओरिजिनल लैंग्वेज में चाहते हैं, तो आप जैसे कि ना ट्रांसलेट पर क्लिक करोगे तो इसको पूरा हिंदी कर दे, ओरिजिनल चाहते हैं यहाँ पर क्लिक करिए शो ओरिजिनल, ये शो ओरिजिनल कर दिया इसने, ठीक है। अभी कभी कभार क्या होता है दोस्तों, ये बहुत अच्छी तरह काम करेगा आपके, जहाँ चीज़ जैसे प्रॉब्लम है क्लिक करिए हिंदी ट्रांसलेट, समस्या मतलब जो सिलेक्ट होगा ये उसको ढूंढ लेगा, जैसे इतना सिलेक्ट किया आपने तो इसको हिंदी अनुवाद बना देगा, ये देखिए ट्रांसलेट टू हिंदी, तो देखो हिंदी हो गया। अभी क्या होता है दोस्तों, आपने ये सब कुछ कर लिया, हिंदी अच्छी तरह काम करा, कभी कभी क्या होता है जैसे आप बिंग में जाते हो, ठीक है, बिंग में खोजा, अभी कभी कभार क्या होता है कि यहाँ पर भी हिंदी बताने लगता है, बिंग विंग वगैरह, तो यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, ये इंग्लिश लैंग्वेज है, तो कभी कभी क्या होता है यहाँ हिंदी करते हो यहाँ भी हिंदी हो जाता है ऐसे, तो ये देखो ऐसे हिंदी बताने लगता है। तो अगर आपके साथ ये समस्या है तो कुछ नहीं करना है, बिंग के होम पेज पर आना है, और यहाँ आने के बाद में इंग्लिश कर लेना है, इंग्लिश काम करेगा, बाकी जितनी साइड है वो सब हिंदी में काम करेगी। जैसे अगर आप जैसे कम्युनिटी में जाते हैं, ठीक है, कम्युनिटी के अंदर गए, अगर आपको ये हिंदी करना है बस इस पर क्लिक करो, और ट्रांसलेट टू हिंदी विशेष रूप प्रदेश, तो हिंदी कर, एक क्लिक पे दोस्तों बड़ी आसानी से हिंदी कर सकते हैं, और यकीन मानिए बहुत अच्छी तरह काम करता है, मैं इसको डेली यूज़ करता हूँ। तो ये हो गया दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट द्वारा हिंदी ट्रांसलेट करने का तरीका। अब बात करते हैं गूगल द्वारा, गूगल का तरीका इससे भी सरल है और सिंपल है, उसके अंदर तो आप तो अनाउंस भी कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए दोस्तों आपको ओपन करना पड़ेगा स्टोर को, ठीक है, तो हम स्टोर ओपन कर लेते हैं। तो हमने लिखा क्रोम स्टोर, ये क्रोम स्टोर आ गया है, क्रोम वेब स्टोर,
और उसके बाद में यहाँ पर आपको लिखना है गूगल, ठीक है, गूगल ट्रांसलेट। जैसे आप गूगल ट्रांसलेट लिखोगे ये आ जाएगा। ये एक प्रकार का छोटा सा है और बहुत ही अच्छा काम करता है। इस पर क्लिक करिए और इस पर क्लिक करने के बाद में आपको करना ऐड टू क्रोम, बस इस पर क्लिक कर लीजिए और ऐड हो जाएगा। ये एक्सटेंशन बहुत तगड़ा काम करता है, ठीक है, ऐड हो गया। अभी जैसे कि अब अगर आपको यहाँ पर किसी भी गूगल द्वारा इसका अनुवाद करना है तो अभी देखो ये गूगल का आ गया आइकन, आप इस पर क्लिक कर रहे तो दिखा रहा है। आप चाहते नहीं मैं सिलेक्ट करूँ और हिंदी ट्रांसलेट हो जाए, वो कैसे करना है? तो अगर आप ये करने चाहते हैं तो आपको दोस्तों आना पड़ेगा एक्सटेंशन की सेटिंग और यहाँ पर आपको दिखाई देगा गूगल ट्रांसलेट। तो इसके अगर आप या इसको ऐसे क्लिक जैसे यहाँ करोगे तो यहाँ पर दिखाई दे देगा आपको ऊपर, ठीक है। यहाँ पर आने बाद में आपको इसकी सेटिंग में जाना है। तो हम चलते हैं एक्सटेंशन ऑप्शन, यहाँ पर आप आ गए हैं। यहाँ पर आने के बाद में देखो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि आपको किस प्रकार करना है, यानी लैंग्वेज कौन सी रखना चाहते हैं। तो हिंदी, तमिल, जो भी आपकी भाषा है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए, मतलब इस भाषा के अंदर में अनुवाद करना चाहते हैं, यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में ये पूछ रहे हैं इमीडिएट डिस्प्ले पॉपअप, इस पर क्लिक कर लीजिए और सेव कर लीजिए। अब इसका क्या बेनिफिट होगा मैं आपको बताता हूँ। जिस साइड से आप इसको रिफ्रेश कर लिया या फिर ब्राउज़र को रिस्टार्ट कर सकते हैं। रिफ्रेश के लिए आप जैसे आप इसको सेलेक्ट करते हैं, जैसे यू, तो ये पॉपअप आ गया यू यानी तुम। अब जैसे इसका भी ट्रांसलेट सुन सकते हो, इसका भी सुन सकते हो। इतना जैसे आपने इतना सेलेक्ट कर लिया तो इसको भी तुरंत अनुवाद कर लेगा, देखिए। और आप इसको हिंदी में भी सुन सकते हो। जब आप काम करते हैं या घर पर ब्राउज करते हैं तो आप क्रोम का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं। आप क्रोम रिमोट डेस्कटॉप का उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए बोल भी सकते हैं, हिंदी में बोल सकते हैं और इंग्लिश में बोल सकते हैं। और अब बोलेंगे बिंग के अंदर ऐसा नहीं हो सकता, तो देखिए बिंग के अंदर भी ऐसा हो सकता है, लेकिन वो थोड़ा अलग तरीके से होगा। जैसे अगर आप इसको बोलना चाहते हैं बिंग के अंदर, ठीक है, सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने बाद में ये आता है, देखो ओपन सिलेक्शन रिसीवर, इसके अंदर ये बोल लेगा। ये देखिए ये अलग ही आपको सुनाई देगा। देखिए आप इसके अंदर इसको ऐसा बोला पाएंगे, ये देखिए यू कैन मेक द मोस्ट ऑफ क्रोम व्हेन यू वर्क, ठीक है। अभी आप बोलेंगे कि हिंदी में नहीं बोल पाएगा, तो देखिए अगर आप इसको हिंदी में अनुवाद कर लेते, ठीक है, जैसे कि ये अपने हिंदी में अनुवाद कर ले बिंग द्वारा, तो अगर आप इसको भी ऐसे बुलाना चाहते हैं तो ओपन सेलेक्ट रिमूवर कर लीजिए और वहाँ पर ये भी बोल लेगा। ये देखिए आपको बस यहाँ पर करना है रीड लाउड। जब आप काम करते हैं या घर पर ब्राउज करते हैं तो आप क्रोम का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं। आप क्रोम दूरस्थ, तो जो काम दोस्तों आपका गूगल करता है वो काम आपका बिंग भी कर लेता है, लेकिन थोड़ा सा करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। बाकी दोनों सेम काम करते हैं। अगर आप गूगल के हिंदी अनुवाद से संतुष्ट नहीं तो बिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप बिंग के अनुवाद से संतुष्ट नहीं तो गूगल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। कंप्यूटर संबंधी, इंटरनेट संबंधी ऐसी और वीडियो चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।